चैनल। आप सोच रहे होगे कि हम दोनों इतना ज्यादा दूर दूर होके क्यों बैठे हैं, तो हमारी लड़ाई आज हम आप नहीं आज हम आपको एक मैजिक दिखाने वाले हैं। सो बी रेडी, 1 2 3 गो। सो ये थे हमारे मैजिक, मतलब ये है हमारे मम्मा जो हमारी वैसे चैलेंजेस वीडियो में पहली बार आ रहे हैं। व्लॉग्स में तो वैसे आ चुके हैं ये दो बार। हाँ जी, आई थिंक दो बार। हाँ, जितने मुझे लगते जितने व्लॉग है उतने में आई होंगे। चलो तो मम्मी या फिर आजा, आप ही बताओ कि आज हम कौन सा चैलेंज करने वाले हैं। आज हम चैलेंज करेंगे हु नोज मी बेटर। सो इसको एक्सप्लेन भी आप कर दो आज। हाँ ठीक है। इस चैलेंज में मैं आप दोनों से क्वेश्चंस पूछूंगी और आप दोनों ने उन क्वेश्चंस के आंसर को लिखना है। ठीक है, जो आंसर ठीक लिखेगा उसको मिलेगा 1 पॉइंट और एंड में हम देखेंगे आप दोनों में से कौन मुझे अच्छी तरह से जानता है। ठीक है, ओके चलो। सो शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चंस। मैंने क्वेश्चंस फोन में लिखे हुए हैं। ओके ओके, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, मुझे किस जगह पे टाइम स्पेंड करना सबसे अच्छा लगता है। इसका आंसर बहुत इजी है, लिखो लिखो। एक तो ना पेन भी ऐसा दिया, ब्रश जगह पे, जगह बोला मैंने, कौन सी जगह। हैंडराइटिंग इतनी गंदी हो रही है ना गाइस, मेरी हैंडराइटिंग गंदी नहीं है, बहुत है। मम्मा देख नहीं सकते आप, ये गलत बात है। ओके ओके, मैं अब देख ही लिया मम्मा, दोनों का देख लिया, बट आप डिस्क्लोज करो। चलो शो करो जल्दी, क्वेश्चन थोड़ी ना है, इतना इजी क्वेश्चन है। और देखो, ओके तो मैंने लिख दिया है आंसर। आपका आंसर क्या है, बोलो, बोल के भी बता दो। आंसर है विद प्लांट्स ऊपर छत पे, किचन। हनीशा का आंसर राइट है। मैं पहले विद प्लांट्स लेने वाली थी, मम्मा ने बोला जगह है तो ऊपर छत यार, मुझे लगा किचन। हनीशा गॉट 1 पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे कौन सी ड्रेस सबसे ज्यादा पहननी अच्छी लगती है। ओहो कितना देर क्वेश्चन है यार, अच्छी लगती है। ठीक है, मैं की साल देख लिया, मैं आई एम अ गुड बच्चा, मैं जल्दी जल्दी आंसर लिखती हूँ। फिर आप तो ऐसे कर रहे हो जैसे कोई आईएएस का क्वेश्चन है। जो अच्छी लगती है मतलब पहनते हो कि नहीं पहनते, ऐसा तो ना, मैंने जो क्वेश्चन बोला जो मुझे पहनने में अच्छी लगती है। ओ बस केबीसी का आंसर नहीं है। चलो सही है, मैं देखा नहीं आपका आंसर क्या है। साड़ी, जीन्स, दोनों के गलत। और मुझे गाउन अच्छे लगते हैं पहनने, ये कब से हुआ। मैंने ये तो नहीं बोला कि मैं क्या मुझे अच्छा पहनती हूँ, पहनने में क्या अच्छा लगता है। हाँ तो जीन्स भी तो जीन्स है बट गाउन मुझे ज्यादा अच्छी लगती है। चलो कोई बात नहीं, मेरा तो 1 पॉइंट हो गया, कोई बात नहीं, मैं भी ले लूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छुट्टी वाले दिन मुझे घर पे रहना अच्छा लगता है या बाहर घूमने जाना। मम्मा मैं कौन सा बताने लगी हूँ। ओके चलो, ये रहा मेरा आंसर क्या है, घर पे रहना। दोनों को मिलता है 1 1 पॉइंट। चलो नेक्स्ट, मेरी स्कूल फ्रेंड का नाम। ओके देखती हूँ आप गेस कर पाते हो या नहीं। ओके ओके ओके, याद है यार, मेरे को तो नाम नहीं पता। स्कूल फ्रेंड ना, स्कूल फ्रेंड, कोई भी बता दे कि कोई भी, तो बता नहीं है, आई मीन जिससे बात ज्यादा होती है वो बता नहीं है, कोई भी एक चलेगी। हाँ चलो कोई भी चलेगी, फिर इजी कर देते आपके लिए। मुझे तो बस एक ही उसका याद है, नहीं मुझे याद कहीं होगा पर, बट अगर जो मेरे ज्यादा क्लोज होगी तो मैं उसी को पॉइंट दूंगी। पता नहीं आप कौन सी फ्रेंड का नाम लिख दोगे। उसका नेम क्या था यार। अच्छा नहीं ठीक है, रुको मेरा पेज खराब हो गया, बोला मैं न्यू पेज ले। मम्मी इधर मत
देखो यार मैं वो मैं भी नहीं करती है, जब पेपर लिख रहे थे ना टीचर साहब ने आके खड़े जाती है। ठीक है फिजा, आपको भी नहीं पता मैंने एक तो लिख लिया, मैं उसका नेम सोच लिया जो है एक। हाँ निशा आंसर बड़ी जल्दी दे रही है, काश पेपरों में भी इतना जल्दी मेरा मेरा आंसर मैंने भी यही लिखा है, मुझे दूसरी वाली याद नहीं आ रही। शो नीलम वैसे तो दोनों के ही अच्छे हैं, मोनिका अब फोन नहीं करती, नीलम से अभी हो जाती है बात, तो फिर नीलम नहीं पर नीलम अपनी अच्छे से मोनिका से आपकी ज्यादा बातें नहीं है। मम्मा मोनिका आपने क्या आंसर सोचा था, वो गुण वो तो कुछ और ही था जो मैंने सोचा। तो फिर वैसे दोनों को पॉइंट नहीं मिलते। नहीं जी ये बात गलत है, मम्मा ने बोला था कि जो सारा क्लोज हुआ उसको परमजीत था उसका नाम था। चलो मोनिका को एक नंबर देते हैं। अब दोनों का वन वन पॉइंट, मुझे जीतना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरी फेवरेट स्वीट मिठाई फेवरेट यार बहुत सारी है, मिठाई मिठाई मिठाई। मम्मा मेरे वाले को ठीक कह देना, जो मुझे अच्छी लगती है मैं तो उसी को ठीक बोलूंगी, ऐसे थोड़ी ना। फिर आप ज्यादा ही सोच विचार कर रहे हो यार, आपकी दो तीन है पता है, पर फिर भी मैं दो लिख रही हूँ मम्मा। नहीं नहीं एक ही बतानी, बीच के गेम के बीच में रूल्स नहीं चेंज कर। हाँ एक ही बतानी, ऑप्शन ओनली वन होनी चाहिए। चलो शो काजू कतली, यस माई फेवरेट, माई फेवरेट डांस फॉर्म। ओके दैट आई नो वेरी वेल। नहीं स्पेलिंग आपके कितने कितने पॉइंट हो गए अभी मेरे, अभी हम दोनों सेम चल रहे हैं। भंगड़ा कथक मेरी फेवरेट है, हम भी कथक का एक स्टेप आता है क्यों वो वाला, मम्मा ने कितने सीखे हैं। हाँ हाँ मैं आगे चल रही हूँ, फिजा लीड कर रही है। फेवरेट म्यूजिक टू लिसन, ओके कौन सा म्यूजिक सुनना मुझे ज्यादा पसंद है। एक होता है ना म्यूजिक का नाम, एक होता है कि म्यूजिक का वो कैटेगरी जोनर। हाँ जोनर, अच्छा जोनर बताऊ। हाँ क्या कहते हैं उसको, ओके देखो मैं कितनी जल्दी जल्दी लिख लेती हूँ। सही भी लिखना है, क्या लिखा है वो हिप हॉप टाइप पंजाबी डांस वाले सॉन्ग, पंजाबी डांस सॉन्ग। मुझे वो वाले गाने पंजाबी वाले ज्यादा अच्छे लगते हैं सुनने में, मेरी प्लेलिस्ट में वही गाने होते हैं हमेशा। How can you forget अब आप same point. अब आप दोनों सेम सेम हो। मेरी फेवरेट, मेरी बनी हुई मतलब होम मेड डिश। ओए ओए बहुत सारी है मम्मा, स्वीट की सॉल्टी। हाँ यार ऐसा बताओ ना थोड़ा बहुत। चलो सॉल्टी फिर भी बहुत सारी है। मेरी बनी हुई मेरी होम मेड डिश, सोचो सोचो। चलो आप सॉल्टी बताओ। मैं आइसक्रीम कहाँ बनाती हूँ, मेरी बनी हुई बोल रही हूँ। तो ये सोच रही मम्मी बनाते ये ऐसे मत बोल, मम्मा वाला बहुत कुछ बनाते हैं इसलिए बहुत कुछ फेवरेट है। यार चलो ठीक है लिख देते हैं। मम्मी इधर मत देखो यार, मैं कौन सा उसको बता रहा हूँ। ऑप्शन दे दो, नहीं दो चीजें प्लीज प्लीज प्लीज। मम्मी कह दो मेरा आंसर सही है, उसका तो आने दे आंसर, क्या पता उसका भी सही हो। क्या पता गलत हो। लेट्स सी
अगर गलत आंसर दिया ना मैंने वो चीज बना के नहीं खिलानी। हाँ हाँ जो मैंने लिखे वो तो मैं खाती भी नहीं। को पता लग गया यार ये गलत बात है। एक ही चीज लिखनी ना तो उसमें भी लिख ली तब तक लिख ली। हाँ। ठीक है इडली इडली दोनों का आंसर सेम है। पे कौन चल रहा है सेम ही है। सही आंसर है यही था। सही है ओके नेक्स्ट। हम ऐसे सोचते थे इतना। हाँ चलो बोलो। फोन चलाने में फोन यूज करते वक्त मुझे फोन में सबसे ज्यादा क्या पसंद है। ओ यार क्या पसंद है एक तो आप ऐसे बोल देते हो। कौन सी ऐप में सबसे ज्यादा चलाना पसंद करती हूँ यार दो बस नहीं। हाँ मेन आंसर तो यही है यूट्यूब। कैंडी क्रश दोनों का आंसर गलत है। कैंडी क्रश थोड़े टाइम के लिए डिलीट की हुई है बट मुझे कैंडी क्रश सबसे ज्यादा पसंद है। मैंने पसंद बोला है मैंने ये नहीं बोला कि मैं क्या चलाती हूँ सबसे ज्यादा। यार इस बात में तो आप दोनों ही पीछे रह गए। चलो लास्ट क्वेश्चन। मेरा फेवरेट फ्रूट एंड ड्राई फ्रूट दोनों बताने हैं। ओके फ्रूट एंड ड्राई फ्रूट। वैसे फ्रूट तो बहुत सारे हैं बट ड्राई फ्रूट आपको शायद पता होगा। हाँ ये तो पता ही है ड्राई फ्रूट के ड्राइड फ्रूट ड्राई फ्रूट ड्राई फ्रूट। लो मैंने इसका भी आंसर लिख दिया। एक सेकंड गुड आप आंसर लिखने में जल्दी कर रहे हो चाहे गलती हो। हाँ तो ड्राई फ्रूट है आप बताओगे। देख रहे यार दोनों के तो सेम ही आंसर है। सेम है खाने में लिखा गया आप फ्रूट दोनों के खाने में दोनों के सेम सेम आ रहे हैं। खाने पीने में आप दोनों मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। हाँ अब लीड पे कौन हुआ दोनों। चलो ठीक है एक और क्वेश्चन पूछ लो चाहे। नहीं अब सारे खत्म हो गए जो मैं पूछूंगी अब दोनों को पता होंगे इसलिए अब सारे क्वेश्चन। मम्मा आपको कैसा लग रहा है आपकी दोनों बेटी आपको इक्वली जानती है भले आप प्यार एक ज्यादा करते हो मुझे पता है। नहीं नहीं मैं अपनी दोनों बेटे को आप देखो समझ गए कि उसको नहीं करते। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। तो गाइस दोनों के आंसर इक्वल इक्वल तकरीबन इक्वल हुए हैं और दोनों मुझे अच्छी तरह से जानती हैं जिस बात की बहुत खुशी हुई। वैसे मम्मा अगर सपोज करो दोनों में से कोई हार जाता तो क्या नहीं तो उस बेटी को मम्मा डिसओन कर देते ऐसे निकल जा कर सकते। फिर आप तो दी अपने बैग पैक करके रखते हैं क्यों क्या पता दी कितना गंदा लॉजिक लगाती है ये थोड़ी। चलो बस करो ओके। सो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो और हमें बहुत मजा आया ये वाली वीडियो बना के और हमें पता लगा कि हमें अपनी मम्मा के बारे में कितना कुछ पता है। और गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करना और शेयर जरूर करना। हाँ जी और हाँ हमें थोड़े न्यू आइडियाज भी कमेंट सेक्शन में दे देना क्योंकि हमारे पास आइडियाज की बहुत किल्लत हो चुकी है। एंड या सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल बिलो। इसकी पेट लाइन है इसको बोलनी जरूरी है गंदी लाइन है ये गाइस नहीं भी नहीं गंदी इतनी तो अच्छी है। सो बाय बाय।